अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो बेसिकली वो नेशनल सेविंग के प्राइस बॉन्ड के बारे से, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में अलग से वीडियो बनाना मुनासिब नहीं है तो मैं आप लोग उसके इस वीडियो में इसको ऐड कर देता हूँ कि मॉनिटरिंग पॉलिसी की आज अनाउंसमेंट हो गई है और जो हस्बे तौफीक था, मतलब हस्बे के 22% पे ही जो इंटरेस्ट रेट है वो कायम रखा गया। ठीक है, खबरें थी कि शायद 21 से 22% के दरमियान हो, मतलब थोड़ा सा कम हो जाए, 21.5% हो जाए, 21.75% हो सकता है, 21.25% हो सकता है, 21% हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको 22% पे ही बरकरार रखा है। ठीक है, अच्छा जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली आज की हमारी वीडियो क्या है, जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है वो जो है वो दो टाइप्स के होते हैं जनाब। दो टाइप से मुराद ये है कि जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है वो एक है 25,000 वाला और दूसरा है 40,000 वाला। ठीक है, आज की वीडियो जो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई जनाब हम 40,000 वाले में इन्वेस्टमेंट करें या फिर 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें। तो प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड एक दो वीडियो हमने पहले ही बनाई, लेकिन आज की वीडियो खास तौर पे इसलिए है कि आपके ये सवाल कि हम 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें या 25,000 वाले, इसको आज हम खुल के बयान करेंगे। मतलब ये कि जो हमारी अपनी राय है कि आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले रहे हैं तो 40,000 वाले ले लें या 25,000 वाले लें, हमारी या हमारी पूरी टीम की इस बारे में क्या राय है, तो आज इस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की बात कर लेते हैं, जो एक 25,000 वाला है और दूसरा 40,000 वाला है। ठीक है, ये दो प्राइस बॉन्ड प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में शुमार होता है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट रेट जो है, चूँकि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पर प्रॉफिट रेट भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है और हर 6 महीने का प्रॉफिट मिलता है, तो हर 6 महीने का जो प्रॉफिट रेट है वो 1.86% के हिसाब से। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या अवेलेबल इन 25,000-14,000 डिनोमिनेशन, मतलब ये कि 25,000 का प्राइस बॉन्ड आपको मिल सकता है और 40,000 का प्राइस बॉन्ड मिल सकता है। जो वीडियो का मेन टाइटल है वो यही है कि आपने हम मतलब 40,000 वाला बॉन्ड खरीदें या फिर 25,000 वाला बॉन्ड खरीदें। ठीक है, तो मेन जो आज हमारा टॉपिक है वही है कि हम कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें, 40,000 वाले में या फिर 25,000 वाले में, इसको हम अभी डिटेल से बात करते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू ले लें से रिलेटेड प्रीमियम प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड विद द नेम ऑन विनवेस्ट, मतलब मैं और आप जो अगर जाते हैं प्रीमियम प्राइस बॉन्ड खरीदने के लिए तो हमारे नाम से प्राइस बॉन्ड रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो 25,000 वाला हो या फिर 40,000 वाला। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। क्वार्टरली प्राइस मनी ड्रॉ एज वेल एज बाय एनुअल प्रॉफिट पेमेंट, ठीक है, मतलब कि हर 3 महीने पर जो इसका विड्रॉ होता है और जो है इसके अलावा हर 6 महीने पर इसका प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, प्राइस विड्रॉ जो है हर 3 महीने बाद होता है इसका। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, उसके बाद ये कौन लोग ले सकते हैं, फॉर पाकिस्तानी सिटीजन एडल्ट इंडिविजुअल्स एंड ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास शनाख्ती कार्ड हो या नायकॉप हो या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, ठीक है, अडल्ट होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, वो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है नो एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर क्लेमिंग जो क्लेमिंग प्राइस बॉन्ड मनी प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक पॉइंट मिस हो गया, वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट क्रेडिट और प्राइस मनी एंड प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट। ठीक है, मतलब जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, जब आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लेते हैं तो उसमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि आपका प्रॉफिट जो है वो आपको पे ऑर्डर की सूरत में या किसी और सूरत में नहीं मिलता, IBFT के थ्रू जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यही दो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है आपके, डायरेक्ट क्रेडिट और प्राइस मनी एंड प्रॉफिट इन इन्वेस्टर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, क्योंकि आप अकाउंट नंबर भी देते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नो एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग प्राइस मनी एंड प्रॉफिट। ठीक है, कोई फॉर्म भी नहीं चाहिए होता है कि आपका प्राइस लग गया, तो प्राइस के लिए जो है आप कोई फॉर्म जमा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जो भी प्राइस लगेगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, अच्छा हाइस्ट प्राइस, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस क्या है जनाब, हाईएस्ट प्राइस है एक है 3 करोड़ का इनाम 25,000 रुपये और एक है 8 करोड़ का इनाम, वो है 40,000 पे। ठीक है,
अच्छा इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड है, ठीक है, मतलब जितना अर्से तक चाहे आप जमा करवाएं। अच्छा उसके तो विथ होल्डिंग टैक्स नेक्स्ट पॉइंट है, विथ होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात, मतलब ज़कात नहीं है लेकिन विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा। तो विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका यही है कि विथ होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर पे है, अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता 50,000 से ज़्यादा तो फिर उस पर 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स, मतलब 1,00,600 रुपये, ठीक है। तो आप सिंपल तरीका है कि आप जो है कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, पे ऑर्डर डिपार्ट और बैंकर चेक से जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। और इसके अलावा जो टैक्स है वो है फाइनल 15% और नॉन फाइनल 30%, तो वो टैक्स जो है प्रॉफिट मनी पे लगेगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफरेबल एंड प्लेज एबल, ठीक है, मतलब ये कि मैंने प्राइस बॉन्ड लिया और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे ले लें तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कैन बी परचेज थ्रू कैश चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, मतलब जब आप स्टेट बैंक की ब्रांच का विजिट करते हो तो आप कैश दे के भी ले सकते हैं, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड चेक उसका डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर के दे के भी, बैंक का चेक दे के भी आप जो है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कैन बी परचेज फ्रॉम ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान BSE एंड अथॉराइज ब्रांचेज ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक के अथॉराइज ब्रांचेस भी ले सकते हैं और नेशनल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो हेड ऑफिस है, मैं तो जब भी लिया मैंने वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आई चंदी के हेड ऑफिस से मैंने ये लिया था सारे, ठीक है। अच्छा उसके नेक्स्ट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रीमियम प्राइस बॉन्ड सेल एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब कि जब आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लेते हैं तो आप जो है अपना अकाउंट भी खुलवाते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो उन्होंने बताया, कॉपी ऑफ CNIC, ठीक है, नो इशू, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो आपको ब्रांच से लेना पड़ेगा, अकाउंट टाइटल आईबीएन नंबर स्टेटस बैंक अकाउंट ब्रांच नंबर, ठीक है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो वो जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वो इशू करते हैं और उस पर अकाउंट टाइटल आईबीएन नंबर होना चाहिए, स्टेटस ऑफ अकाउंट बैंक और ब्रांच नेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसका नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फाइलर, अगर फाइलर है तो उसके पास टैक्स सर्टिफिकेट होता है, मतलब फिर नेट से निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है नॉमिनी CNIC डिटेल्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड है अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है। जरा चीज़ें तो हमने आपको बता दिया डिटेल्स में। अच्छा अब सवाल ही पैदा होता है कि लोग हमसे सबसे ज़्यादा सवाल ये करते हैं कि भाई आप 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड लें या फिर 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड लें, ठीक है। एक बात मेरी याद रखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या आज की जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड है तो इसका इनाम कितना है। 40 का मतलब पे 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड है तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 80, ठीक है, तो जिसकी वजह से या फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनेगा, तो 40,000 वाले का जो प्राइस बॉन्ड है वो कितना है, वो है 8 करोड़, यानी 4 × 8। अब बात कर लेते हैं ना 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड का, 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड की बात कर लें तो 25,000 का जो प्राइस बॉन्ड है उसका फर्स्ट प्राइस कितना है, वो 3 करोड़ रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करने वाली चीज़ ये है कि जब 40,000 वाला बॉन्ड पेपर है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन रहा 8 करोड़, तो पहला इनाम जो है वो 8 करोड़ का है अगर आपका प्राइस लग जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ बात कर ले 25,000 वाले पे, तो 25,000 वाले पे मतलब 2.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वहाँ पे आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 8 करोड़ बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 मतलब 2.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे जनाब, 2 से, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बन रहा है 5, मतलब 5 करोड़ रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको इनाम मिल रहा है वो 3 करोड़ रुपए का मिल रहा है, ठीक है। सेम फार्मूला है, मतलब ये कि 40,000 वाला लेंगे तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनता है, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनता है, ठीक है। तो 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड है, इसका फर्स्ट इमेंट जो प्राइस है वो 8 करोड़ रुपये। इसी तरह हम बात करें तो 25,000 वाले की, तो 2.5 मतलब 25 को 10 से डिवाइड कर दिए 2.5 बन रहा है, तो 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 5 करोड़ रुपये, ठीक है। तो जिस तरह 40,000 वाले का प्राइस बॉन्ड 8 करोड़ रुपये है, इसी तरह 25,000 वाले का जो प्राइस फर्स्ट प्राइस की अमाउंट बन रही है वो बन रही 5 करोड़ रुपये। लेकिन जो 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड लेता है वो नुकसान में है, चूँकि उसको प्रॉफिट 5 करोड़ नहीं मिलेगा बल्कि उसको 3 करोड़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात बहुत नोट करने वाली कि जो हम आप लोगों से कह रहे हैं कि जब आप 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप 40,000 वाला भी परचेज कर सकते हैं, 10-15,000 रुपये तो एक्सेस है, ठीक है।
तो मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो 25,000 की जगह 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड भरें, क्योंकि देखिए अगर नसीब का कुछ नहीं पता होता, अगर एक दफ़ा टकराता है तो कोई अच्छे बॉन्ड में टकराया, मतलब ये कि अगर फर्स्ट प्राइज आपका लग गया 40,000 में तो 8 करोड़ रुपये मिल जाएगा आपको। और इसके बरक्स 25,000 वाला अगर आपने प्राइस बॉन्ड लिया है तो इसका फर्स्ट प्राइस अगर लग जाता है तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 3 करोड़ रुपये, ठीक है। तो इस हिसाब से हर एंगल से आप देखा जाए तो आपको जो प्रॉफिट होगा, जिसमें ज़्यादा आपकी बचत आएगी, वो आएगी जनाब 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड पे, ठीक है। और हम भी आपको ये रिकमेंड करते हैं कि जनाब अगर आप 15,000 वाला प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं तो इसका मतलब है, सॉरी 25,000 वाला अगर प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं तो इसका मतलब 40,000 वाला भी ले ही सकते हैं, 10-15,000 रुपये का तो डिफरेंस है। तो जनाब अगर आपने किस्मत आजमाना है तो हमारा सजेशन आप लोगों को यही है कि जनाब आप जो है वो बड़े प्राइस बॉन्ड लें, मतलब अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, अकाउंट खुलवाएं और ये 25,000 वाले के बजाय 40,000 वाला प्रॉफिट लें, ताकि इसका प्रॉफिट भी बहुत शानदार हो अगर लग जाता है, ठीक है। तो जनाब ये थे आज के हमारे भी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से, सवाल यही था कि किस में इन्वेस्टमेंट करें, 25,000 वाले में 40,000 वाले में। कोशिश हमने की है कि अपना तौर पर समझाएं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको 40,000 वाले में इन्वेस्ट करें, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।